सो यो व्हाट्स अप गाइस। सो गाइस यार, आज की इस वीडियो में भाई हम लैग से रिलेटेड भाई जितने भी ऑप्शन हो सकते हैं भाई, जितने भी उनको सॉल्व करने का लैग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे भाई। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो बना दी है लैग के ऊपर और ये वीडियो भाई लास्ट रहेगी, क्योंकि यार इससे ज़्यादा जितने भी हो सकता है मैं आज आपको सेटिंग्स टिप्स वगैरह दूंगा और हो सकता है भाई आपके 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मैं खुद ट्राई करता हूँ भाई वही मैं आपको बताऊँगा यार। ऐसा कुछ नहीं कि भाई इधर से देख के बता रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो अपने फ़ोन में मैं यूज़ करता हूँ वही मैं आपको बताऊँगा भाई कि कैसे आपकी लैग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और गाइस मैं सोच रहा हूँ सीज़न 9 आ रहा है भाई रॉयल पास का, तो मैं सोच रहा हूँ गिव अवे रखा जाए। और कौन कौन चाहता है भाई कि सीज़न 9 रॉयल पास का गिव अवे रखा जाए भाई, तो नीचे कॉमेंट मारो यार। और आज इस वीडियो में भी कूपन कोड मिलने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना, ठीक है। सो गाइस चलिए यार बात करते हैं यार कि हाउ टू सॉल्व योर लैग प्रॉब्लम, ठीक है। तो गाइस मैं आपको फर्स्ट ट्रिक बता दूं, तो भाई आपको जाना है फाइल मैनेजर पे, ठीक है। ये सब मैं खुद करता हूँ भाई, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जाना है भाई फोन स्टोरेज पे, ठीक है। देन यहाँ पे जाना है भाई ऑल फाइल पे। देन यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आपको जाना है कहाँ पे, एंड्रॉइड पे। एंड्रॉइड पे जाने के बाद दोस्तों आपको जाना है डेटा पे। डेटा पे जाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना फालतू का डाटा भरा रखा है, आपको सब कुछ डिलीट करना है एक फाइल छोड़ के, जो कि होगी टेंसेंट की, जो कि होगी अपने पबजी गेम की। तो वो कौन सी फाइल है गाइस, सबसे पहले गाइस आपको करना क्या है, सेलेक्ट कर लेते हैं अपन यहाँ से सेलेक्ट ऑल, और यहाँ से अपनी जो टेंसेंट वाली है, ठीक है, आपकी जो पबजी वाली फाइल है उसको छोड़ के सारी आपको डिलीट कर देनी है भाई परमानेंटली, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको गाइस डिलीट कर देते हैं भाई 43 फोल्डर्स से। तो यहाँ से अपना पैटर्न डाल देते हैं रॉन्ग, ओके। सो यहाँ से भाई अपनी ये कैसे अपना क्लियर हो चुका है, ठीक है। जितना भी आपका फालतू का डेटा भाई उसको डिलीट करो, और जितने भी भाई यहाँ पर फालतू के आपके फोल्डर हैं सबको डिलीट करके रखना भाई। जितना खाली आपका फ़ोन होगा उतनी अच्छी है परफॉर्मेंस आपके फ़ोन की होगी, फ़ोन की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो भाई आपके पबजी मोबाइल की भी परफॉर्मेंस अच्छी होगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। और गाइस कौन 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 सा फ़ोन यूज़ करता है, कितनी GB वाला रैम फ़ोन यूज़ करता है, कितने कौन सी कंपनी वाला मतलब फ़ोन यूज़ करता है, नीचे कॉमेंट करके बताओ यार। मैं भी जानना चाहता हूँ यार कि मेरे व्यूअर्स कौन कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है। सो गाइस हमारी ये फर्स्ट ट्रिक थी। सेकंड ट्रिक के लिए भाई बात करते हैं, तो आपको जाना है भाई अपने डेवलपर ऑप्शन में। तो ये आपका ऑप्शन आएगा भाई कहां पर, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों आपको जाना है कहां पे, अपने अबाउट फोन में। अबाउट फोन में जैसे ही दोस्तों जाओगे तो यहां पर आपको वर्जन पे क्लिक करना है, 4 से 5 6 बार टैप 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 करना है, देन आपका ये डेवलपर ऑप्शन ऑटोमेटिकली मतलब आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको करना क्या है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है भाई प्ले स्टोर से, जिसका नाम है डेवलपर ऑप्शन एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपको भाई इस पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करोगे, हो सकता है आपका डेवलपर ऑप्शन ना हो तो ये एप्लीकेशन ओपन नहीं होगी भाई। और जैसे ही आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाए बिल्ड नंबर या फिर अपने वर्जन कोड पर क्लिक कर करके, तो आपका ये डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको करना है क्या भाई, नीचे आ जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है सेटिंग्स को, देन आपको जाना है कहाँ पे ओके। तो यहाँ पे जाना है दोस्तों, आपको जाना है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट पे। तो दोस्तों आपको देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टैंडर्ड लिमिट है, तो आपको कर देना है नो मोर देन 1 प्रोसेस, ठीक है। आपको इसको कर देना है भाई, ये आपकी बैकग्राउंड में कोई भी और एप्लीकेशन अदर एप्लीकेशन चलने नहीं देगा, जिससे आपका ज़्यादा का ज़्यादा फोकस आपके गेम मतलब पबजी में होगा, ठीक है। जितना भी फोकस फ़ोन करना चाहे तो पबजी में कर सकता है। तो गाइस हमारी ये सेकेंड ट्रिक थी, आप इसका यूज़ ज़रूर से करना है भाई। तो गाइस हमारी थर्ड ट्रिक की बात करते हैं भाई। आपको भाई कोई से भी मतलब आपको जाना है भाई मतलब सेटिंग्स में चलते हैं गाइस, और यहाँ पर जाना है दोस्तों आपको कहाँ पर, स्टोरेज कहाँ गया हमारा। सो गाइस आपको जाना है भाई एडिशनल सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों आपको स्टोरेज पे जाना है, देन आपको करना क्या है भाई, यहाँ पर जितना भी आपका मतलब कैसे है मतलब कोई भी डेटा है अपने फ़ोन में भाई उसको क्लीन करो, ठीक है। सबसे पहले तो भाई क्लीन करो, ठीक है, आपके भाई कैसे जितना भी है सेफ टू क्लीन भाई आपको कर देना है। हर बार आपको भाई क्लीन करते रहना है अपने फ़ोन में जितना भी फालतू का डेटा होता है ना, जो कैसे होता है उसको आपको भाई हमेशा क्लियर ऑल करना है। और गाइस होता क्या है मैं आपको बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल लाइव देता हूँ गाइस आपको। आप दोस्तों आप देख सकते हैं 3.15 GB का पबजी हो चुका है यहाँ पे, और आपके वीडियो क्या है, फ़ोन क्या है, टिकटॉक। तो भाई आप देख सकते हैं ये क्रोम, तो आप देख सकते हैं 714 MB का ये बन के रखा हुआ है भाई। ये कैसे भाई, क्योंकि यार ये मतलब जितना भी हम सर्च हिस्ट्री होती है हमारी क्रोम की या जो भी है सॉफ्टवेयर की, तो वो यहाँ पर डेटा सेव होता रहता है भाई मतलब बैकअप के लिए। और भाई अगर आप चाहें तो भाई इसको क्लियर करो भाई, ठीक है, क्लियर कर दिया करो भाई। सो गाइस यार आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन, टिकटॉक हो गया, गूगल हो गया, क्रोम हो गया, यूट्यूब हो गया, भाई हर एप्लीकेशन भाई बहुत ज़्यादा मतलब अपना डेटा सेव करके रखी है। तो भाई इन सबको क्लियर करो, तभी जाके अपना फ़ोन क्लियर मतलब अच्छी परफॉर्मेंस होगी आपके फ़ोन की। इतना इतना ज़्यादा डेटा लगे रखे हैं भाई अपनी सारी एप्लीकेशन भाई
सबको क्लीन करो, और जो एप्लीकेशन यूजेबल नहीं है भाई, जो आप मंथली एक दो बार यूज़ करते हो, उनको फोर्स स्टॉप करके रखा करो भाई, उनके कोई नोटिफिकेशन ना आए, इसलिए आपको मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। और गाइज इन सबको आप करके देखना, आई होप आपका ये मतलब लैग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मतलब 80% तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी भाई, 20% तो छोड़ ही दो, ठीक है। और भाई आपको कुछ मैं टिप्स भी देना चाहूँगा, अगर आपके ये सब करने के बाद मान लो कोई सिचुएशन आती है कि आपका पिंग हाई जा रहा है, लैग प्रॉब्लम आ रही है, तो अपना फ्लाइट मोड में डालो फ़ोन, देन उसको ऑन करो, देन अपने पबजी को फिर से मतलब ऑन कर लो, आपका पबजी फिर से अच्छे तरीके से चलने लगेगा, क्योंकि सर्वर हो जाते हैं भाई रीस्टार्ट फ्लाइट मोड में डालने से, इससे आपका पबजी फिर से चालू होगा पूरे न्यू सर्वर के साथ, ठीक है। और गाइस मान लो आपका फिर भी लैग हो रहा है, तो अपने माइक को ऑफ करके रखो, स्पीकर को ऑफ करके रखो, और जैसे ही आपका लैग प्रॉब्लम या फिर पिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसको ऑन कर लेना, ठीक है। और गाइस जितना आप हो सके लोग सेटिंग्स में के लो ग्राफिक्स की, मतलब पबजी की ग्राफिक्स सेटिंग में लो में से लो, शैडो वैडो सबको ऑफ करके रखो भाई, आपका 100% लैग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और नहीं हो रही है तो भाई एंड्रॉइड फ़ोन की प्रॉब्लम है, और आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो, कितने GB रैम वाला, नीचे कॉमेंट करके बताओ यार, मैं आपके फ़ोन के बारे में जानना चाहता हूँ यार, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो लगी हो अच्छी तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना। और गाइस आज के हमारे इस वीडियो का सेकेंड कूपन कोड है क्या, सो गाइस आज के हमारे इस वीडियो को सेकंड कूपन कोड है फोन लैग 1234, ठीक है 1234 गाइस आज के हमारे इस वीडियो का सेकंड कूपन कोड है। आई होप आपने ये सुन लिया होगा, अगर सुन लिया है तो नीचे कमेंट मार देना गाइस, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, ओके।